तो उन्होंने भी 20 लाख का लोन जो अप्रूव करवा के रखा था। तो घर पे रजिस्ट्रेशन ना तभी से बनना स्टार्ट हो जाता है, उनको अपने आप ही जो कमीशन होता है वो कॉलेज की तरफ से आ जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर ना मेरी तो हिम्मत ही टूट गई थी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं कि अगर आपको कनाडा आना है तो कनाडा आने का पूरा क्या प्रोसेस होता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक का। और दूसरी चीज़ जिसके बारे में बात करेंगे वो है कि खर्चा कितना आ जाता है, क्योंकि जिस टाइम आप पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे होगे कि मेरे को कनाडा जाना है तो उस टाइम वो पलट के ना आपसे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई खर्चा कितना आएगा, पहले ये बता। सो आज की वीडियो के अंदर हम यही बातें करने वाले डिटेल में, और साथ में आपको मेरा भी एक्सपीरियंस बताऊंगा बीच बीच में कि मेरा भी पर्सनली एक्सपीरियंस क्या रहा था हर एक स्टेप पे और कितना कितना खर्चा आया था। सो गाइस बिना टाइम को वेस्ट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो भाई अगर आप पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हो तब तो आपको पता ही है कि जब भी कनाडा जाने का दिमाग में थॉट आता है तो उसके बाद गरारी अड़ जाती है आइल्स के एग्जाम पे आके कि भाई लड़का या लड़की अपने बैंड लेंगे या नहीं लेके आ पाएंगे। तो कई लोगों की इंग्लिश होती है अच्छी होती है, कईयों की अच्छी नहीं होती। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है आपको आइल्स का एग्जामिनेशन देना रहता है और कुछ लोगों को उसकी कोचिंग लेने की भी नीड पड़ती है। तो भी झूठ मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, जब मैंने आइल्स की प्रिपरेशन करी थी उस टाइम मैं भी लगभग 1 महीना मैंने क्लासेस ली थी। मोस्ट ऑफ द क्लासेस जो थी मैंने स्किप ही करी थी, पर राइटिंग वगैरह के एग्जाम के लिए ना आपको वो कुछ टेक्निक्स वगैरह बता देते हैं या फिर स्पीकिंग के अंदर आपके कुछ क्यू कार्ड्स वगैरह या क्या क्वेश्चंस होते हैं आपके हेजिटेशन खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले अपना जो खर्चा है 3-4 हज़ार रुपए ले लेते हैं वो बड़े आराम से। और अगर आप कहीं बड़ी सिटी में जाके ट्रेनिंग ले रहे हो आइल्स की तो वहाँ पे 8-9 हज़ार 10 हज़ार भी ले लेते हैं। तो जैसे आपको कॉन्फिडेंस हो गया कि अब मैं आइल्स का एग्जाम दे सकता हूँ तो उसके बाद भाई फिर आपको 15 से 16 हज़ार रुपए लगाने पड़ते हैं अपने आइल्स के एग्जामिनेशन के लिए। और उसके बाद जैसे ही आपके 6.5-7 बैंड आ जाते हैं तो घर पे रजिस्ट्रेशन ना तभी से बनना स्टार्ट हो जाता है कि ले हमारा बच्चा तो कनाडा पहुंच गया। बट उसके बाद भाई मेन स्ट्रगल स्टार्ट होती है। सबसे पहला काम होता है आपको कॉलेजेस में अप्लाई करना पड़ता है ऑफर लेटर के लिए। तो कुछ कॉलेजेस में तो ऑफर लेटर के लिए फी नहीं देनी पड़ती, बट कुछ कॉलेजेस डिमांड करते हैं कि आप $100 से $150 फी भी भरो। अब जितने कॉलेजेस में अप्लाई करोगे उतने ही ऑफर लेटर्स की फी भी जोड़ लेना। तो $150 के अराउंड इनका खर्चा होता है, लगभग 9 हज़ार रुपए हो गए इंडियन करेंसी के। तो अब ये सारा काम करने के लिए आप किसी एजेंसी में भी जाओगे तो अब कंसल्टेंसीज भी बहुत अलग अलग तरीके की खुल चुकी है। कुछ जो है स्टार्टिंग में चार्ज करते हैं, उनकी खुद की जो फी होती है, बट आजकल बहुत सी कंसल्टेंसी ऐसी भी है जो बिल्कुल भी चार्ज नहीं करती, उनको अपने आप ही जो कमीशन होता है वो कॉलेज की तरफ से आ जाता है। तो अभी तक की स्टोरी में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था, आइल्स का जब रिजल्ट आया 7.5 बैंड आ गए थे तुम्हारे भाई के, नॉट लेस देन 7 इंच, किसी भी मॉड्यूल में 7 बैंड से नीचे नहीं थे। तो भाई उसके बाद मैंने भी एक कंसल्टेंसी को अप्रोच किया जिनके थ्रू मैंने अपनी फाइल लगाई और वो फ्री नहीं थे, दे डू चार्ज 25,000 रुपीज फॉर द फाइल। और वो सारे पैसे भी ना उन्होंने किश्तों में लिए थे, स्टार्टिंग में 5 हज़ार लिए, ऑफर लेटर आ गया, फिर 5 हज़ार लिए, फिर वीजा आ गया, फिर 10-15 हज़ार लिए। तो इस तरीके से किश्तों में पैसे दिए थे, बट उनकी जो सर्विसेज थी ना वो बहुत सही थी। और बेसिकली मेरी पूरी फैमिली में जितनी भी फाइल्स वगैरह थी सारी वही मैनेज कर रहे थे। तो भाई उसके बाद आपके पास ऑफर लेटर भी आ गया, हो सकता है आपने 2-3 कॉलेजेस में अप्लाई किया हो और मल्टीपल कॉलेजेस से आपके पास ऑफर आ गए, फिर आपको चूज करना पड़ेगा और चूज करते ही आपको फिर 2 सेमेस्टर की फी भी भरनी पड़ेगी। तो इस प्रोसेस के अंदर ना मेरी तो हिम्मत ही टूट गई थी, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 कॉलेजेस में अप्लाई किया था। एक में वैसी रिजेक्शन आ गई थी कि उनकी सीट सी फिल हो गई थी और दूसरा जो था वो कॉनेस्टो का था। और आप मानोगे नहीं, लगभग 50 से 60 दिनों तक ना कोई रिप्लाई नहीं आया था कॉलेज का। मैं पहले भी जॉब वगैरह करता था और मैंने वापस से जॉब पे जाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा छोड़ो, कनाडा का ड्रीम तो खत्म होते ही लग रहा है। फिर एक दिन एजेंट का फोन आता है कि भाई तुम्हारा ऑफर लेटर आ गया, और खुशी जो थी वो 7वें आसमान पे थी। तो उसके बाद अभी ओंटारियो के अंदर कॉलेजेस का ये सीन चल रहा है, आपको 2 सेमेस्टर की फी स्टार्टिंग में भरनी पड़ती है। सो बेसिकली आपको 18 से 20 हज़ार डॉलर फी के भरने पड़ेंगे फाइल लगाने से पहले, प्लस जो GIC होती है। GIC के बारे में भी मैं बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम कि हमें खर्चे के लिए ना कैनेडियन गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप इंडिया से पैसे भरवा के आओ। तो $10,000 ना आपको वो भी जमा करवाने रहते हैं। तो इसलिए भाई जैसे ही आपको ऑफर लेटर आ जाता है ना तो साथ में घर वालों की भी टेंशन हो जाती है कि अब अच्छे खासे पैसे अपनों को जमा करवाने हैं। $20,000 तो कॉलेज के अकाउंट में और $10,000 अपने खुद के अकाउंट में, जो कनाडा का GIC अकाउंट होता है। तो गाइस आगे के पॉइंट कंटिन्यू करने से पहले ना अपने बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर्स की। तो भाई अगर आप कनाडा आने का प्लान कर रहे हो तो आपने ये चीज जरूर सुनी होगी कि यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद ना लोग परेशान बड़ा होते हैं, क्योंकि आपको ऑनलाइन कैब वगैरह ऑर्डर करनी है या फिर नेट वगैरह चलाना है, गूगल मैप चलाना है, तो आपके पास सिम होती नहीं है। तो गाइस लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके अपनी सिम ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि इनके जो फीचर्स है ना वो प्रैक्टिकली बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस टाइम आप इंडिया में अभी ऑर्डर करोगे आपको कोई पैसे नहीं देने, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास घर पे सिम जो है डिलीवर होगी और कनाडा ट्रैवल करने से पहले आपकी जो सिम है वो एक्टिवेट हो जाएगी। और अगर अपने यहाँ की बात करें ना, अब मेरे को 1-1.5 साल हो गया यहाँ पे रहते को, तो कॉन्ट्रैक्ट वाला जो सीन होता है ना उसके अंदर पेनल्टी लगती है जब अपने बाद में करियर जो है चेंज करते हैं सिम की कंपनी जो होती है। तो इसके अंदर ये सीन भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वाला भी आप जब चाहे यहाँ आके अपना नंबर जो है वो दूसरी कंपनी में भी चेंज करवा सकते हो। प्लस यहाँ पे जो है ना डाटा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये लोग आपको $40 के अंदर भाई 20 GB प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। सो आई वुड सजेस्ट गाइस, जो भी लोग हैं, चाहे वर्क वीज़ा पे हैं, चाहे कोई फैमिली मेम्बर है जो कि कनाडा में अपने रिलेटिव्स को मिलने आ रहे हैं, आप अपनी जो सिम है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। सारी जो डिटेल्स हैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कनाडा पहुंचने के बाद ना किसी लोगों के मुंह की तरफ देखने की आपको नीड नहीं है, बढ़िया आपका इंटरनेट चलेगा, बढ़िया आप अनलिमिटेड कॉल्स कर सकते हो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। तो ठीक है गाइस, ये तो हो गया कैनेडियन सिम के बारे में। अब अपने बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो भाई घर वालों ने जैसे तैसे करके या फिर एजुकेशन लोन लेके आपने कॉलेज की फी भी भर दी, आपने GIC भी भरवा दी। तो उसके बाद अब आपको मेडिकल करवाना रहता है अपना, जिसमें लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये लगते हैं आपके। मैं जो है लुधियाना में जाके करवा के आया था। और उसके बाद आपकी फाइल लॉज होती है, जिसके कि लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये लगते हैं। तो भाई जैसे ही आप फाइल लगा दोगे, उसके बाद आपको बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 10 साल तक वैलिड रहते हैं। अब यहाँ आने के बाद भी ना वो चीज़ इतनी काम आती है, आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो, एक्सटेंशन वगैरह लेते हो, TRB वगैरह लगवाना होता है, हर जगह वो बायोमेट्रिक्स आपके काम आते हैं। आपको बार बार जाके बायोमेट्रिक्स नहीं देखे आने पड़ते। और उसके बाद भाई अगर सारी चीजें सही है, आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, तो आपको किसी टाइम बैठे बैठे एक बड़ा प्यारा सा कॉल आएगा कि आपका स्टडी वीजा अप्रूव हो चुका है और अब आप कनाडा की तैयारियां स्टार्ट कर दो। तो उसके बाद भाई मिसलेनियस खर्चे भी स्टार्ट हो जाते हैं, शॉपिंग वॉपिंग के, वो मैं गिनना नहीं चाहता ज्यादा, बट अपने नॉर्मल लेके चल लेते हैं कि 30 से 40 हज़ार रुपये ना बंदा लगा ही देता है। ना ना करते, मम्मी कहती है ये ले ले, पापा कहते हैं ये भी चाहिए, आके कोई रिश्तेदार बोलता है कि भाई ये भी तेरे को लेके जाना है। और ये सब आपकी तैयारी ना अभी चली रही है, बट बीच में ही आपको अपना पासपोर्ट भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका वीजा आता है ना, लेटर आपका वीजा नहीं होता, आपको पासपोर्ट भी भेजना पड़ता है, फिर स्टैंप लग के आती है, जिससे कि आप कनाडा एंटर हो पाते हो। तो जैसे आप अपना पासपोर्ट भेज देते हो, उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाते हो कि अब तो टाइम पास में आ चुका है, अब अपने टिकट भी करवा लें। तो टिकट का सीन तो आप सबको पता ही है कि कनाडा की टिकट भाई बहुत महंगी है। अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट करवाओगे तो लगभग आपके 1 लाख से 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तक भी लग सकते हैं, कि अगर आप फ्यूचर में 1 महीने के आसपास की डेट लेके डायरेक्ट फ्लाइट एयर कनाडा या एयर इंडिया में करवाते हो। और उसके बाद फिर सारे रिश्तेदार आपको इकट्ठे होके इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे छोड़ने आते हैं। और इसके बाद आपकी जो पुरानी लाइफ होती है, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आके एक नई शुरुआत करते हो। तो गाइस, जैसे कि आपको समझ आई चुके हैं, वो पुरानी बातें थी जब लोग बोलते थे कि 12 या 13 लाख के अंदर ना हमने अपने बच्चे को कनाडा पहुंचा दिया। आज के टाइम की अगर आप बात करोगे ना, तो 20 लाख तो कहीं नहीं गए, 20 लाख से ऊपर ही पैसे लग जाते हैं अगर आपको कनाडा स्टडी करने आना है। तो इसलिए गाइस, मेरी तरफ से सजेशन यही है कि अपनी जो प्लानिंग है ना, पहले से ही करके रखो। अगर आपके पेरेंट्स फाइनेंशियली साउंड है या आपके पास मनी है, आप राइट अवे पे करके आ सकते हो, देन कोई ट्रबल नहीं है। बट अगर आप लोन वगैरह के पंगों में घुस रहे हो, तो आपको ना पूरी स्ट्रेटेजी बना के ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जब अपने स्टडी लोन लेते हैं, उसके बाद अपनी स्टडी खत्म होने के भी कुछ ड्यूरेशन के बाद आपकी EMI स्टार्ट होती है। अब फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो बड़ी रियल सिस्टर है, उन्होंने भी आना था, तो उन्होंने भी 20 लाख का लोन जो अप्रूव करवा के रखा था, जिसके अंदर यही था कि उनकी स्टडी खत्म हो जाती ना, तो उसके बाद ना उनकी लगभग 30,000 रुपीज की EMI स्टार्ट हो जानी थी। और जिस टाइम आप कनाडा आ जाते हो, आपकी स्टडी पूरी हो जाती है, आपको कोई अच्छी जॉब मिल गई या फील्ड जॉब मिल गई, या फिर एक बार आप स्ट्रगल ही कर रहे हो स्टार्टिंग में, तो फुल टाइम बंदा काम करके ना $500 ही बनते हैं 30 हज़ार के, तो $500 बंदा निकाल लेता है। बट ये डिपेंड करता है कि आप अपने खर्चों पर कंट्रोल रख रहे हो या नहीं रख रहे। तो गाइस, ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के अंदर। और खुद ने भी ना ये वीडियो बनाते टाइम सारी चीजें वापस से रीलिव करी, जो मेरी मेमोरीज थी ना, कि किस तरीके से सारा प्रोसेस करके यहाँ पे आए थे। तो गाइस, आप लोग कब का प्लान कर रहे हो या फिर कौन से कॉलेज का प्लान कर रहे हो, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस लाइक करे बिना मत जाना। और 1 लाख सब्सक्राइबर अपने ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं, सो थैंक यू गाइज फॉर योर सपोर्ट। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट अभी ऑन द वे है। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इजाजत दो। ब्लू माउंटेन आए हुए हैं, घूमने जा रहे हैं अपने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।